हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एस्ट्रोग्लोब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑटोमाटा थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं, और ये खास तौर पे बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंस आपको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव टेक्निकल एग्जामिनेशन में आप यदि बैठते हैं तो इस कोर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गेट जैसे एग्जामिनेशन में 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस कोर्स से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी होती है स्टार्टिंग में। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, तो वो है ऑटोमाटा थ्योरी। लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, और ख़ासतौर पर बिगिनर्स के लिए हमने बनाया है जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, और इसके बाद आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने लिया है यहाँ पे कि सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग एंड क्लीन स्टार का क्या मीनिंग है, ये आपको समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह से हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पे कवर किया है कि लैंग्वेजेज क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर यू विल एबल टू एक्सप्लेन everything like languages, regular expression, and third learning objective is transition function क्या होता है, state diagram क्या होता है, उससे हम लोग transition matrix कैसे बना पाएंगे, and last part we will cover कि grammar क्या होता है, and state diagram यदि दिया हुआ है तो हम लोग उससे grammar कैसे find out कर पाएंगे। तो ये चार learning objective है इस this video lecture का। so आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप ध्यान से इस लेक्चर को आप अटेंड करें, लास्ट तक बने रहें, और उसके बाद आप कंफर्टेबल फील करोगे, एंड यू विल डेफिनेटली से ऑटोमाटा थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो जहां तक की इम्पोर्टेंस की बात है मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब हम यदि इसका एप्लीकेशन की बात यदि करें तो आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में हम बहुत सारा डिस्कस करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप यदि ऑटोमाटा थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो उस कोर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो या दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल डिजाइन करना हो वहाँ भी काम आएगा। और आप इस कोर्स को देखने अटेंड करने के बाद और कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हो कंप्यूटर सिस्टम पे तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। सो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एलन ट्यूरिंग ने जब ट्यूरिंग मशीन के बारे में बताया था, तो बाद वाली पार्ट हम लोग कमिंग वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें लेक्चर कवर किए गए हैं, जो टॉपिक कवर किए गए हैं उससे रिलेटेड भी हमने डेप्थ में सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। खास तौर पे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि बिजनेस के लिए हमने बनाया है, जिनको बहुत ही दिक्कत हो रहा है तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, वो कम्फर्टेबल फील करेंगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पार्ट भी लिया है कि व्हाट इज ऑटोमाटा थ्योरी। तो फर्स्ट आई मस्ट से यह एक क्या एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, यह एक मॉडल है जो आपको क्या बताएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका डिजाइन देना है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट आई हैव आल्सो टेकन हियर, इट डील्स विद द लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन। तो ये सारे चीज जो थियोरेटिकल पार्ट है आज हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेनली कवर करेंगे वैसा चीज जो आपको इस कोर्स में समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में पढ़ना क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे कि ऑटोमाटा में पहले हम लोग कवर करेंगे सिंबल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सिंबल्स क्या है, जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग को आपको फॉर्म करना है, तो या तो आप ए ए जीरो जीरो बी ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हो, तो जो स्ट्रिंग बना होता है वो सिंबल से बने होते हैं। तो आप यहाँ पे किसी तरह का भी सिंबल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है ए बी टू जेड हमने लिया है, ए बी सिंबल्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 ए बी सिंबल्स हो सकते हैं, और इस तरह का इमेज आप ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल। तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, इससे परेशान नहीं होना है, ए बी एंड 0 1 को भी मिलाकर के हो सकता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट बोथ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स हमने यहाँ पे डिनोट किया है समेशन सिंबल से, और मोस्ट ऑफ द ऑथर डिनोट्स इट बाय दिस सिंबल्स ओनली। तो अल्फाबेट्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ सिंबल्स। जैसे हमने यहाँ पे सिंबल्स लिया, तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिया है कि यहाँ पे समेशन का वैल्यू हमने क्या किया, अल्फाबेट का वैल्यू क्या क्या, ए एंड बी, तो ए एंड बी आर द सिंबल्स।
तो अब जो अल्फाबेट है इससे हम लोग स्ट्रिंग को जेनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि अल्फाबेट में क्या है, ए बी जीरो एंड वन। इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग बनेगा इसी अल्फाबेट से बनेगा। हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग भी लिया है, यहाँ पे क्या एप्सिलन, एप्सिलन का मतलब होता है नल वैल्यू जिसकी लेंथ जीरो है। तो ए एंड बी से यदि हम कोशिश करें कि स्ट्रिंग क्या क्या बनेगा, एक तो सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग बन सकता है, तो सिंगल लेंथ की क्या होगी, एक ए बनेगा, दूसरा बी भी बन सकता है। यदि हम दोनों को मिक्स करें तो ए भी बन सकता है और बी ए बन सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, तो इस पार्ट को हम कवर करेंगे और डिटेल्स में भी। तो फ्रेंड्स आपका जो मेन यहाँ पे समझना क्या है कि सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं। तो सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एंड सिंबल्स का जो कलेक्शन है वो हम डिफाइन करते हैं अल्फाबेट्स में। एंड अल्फाबेट्स क्या करता है कि स्ट्रिंग को जनरेट करता है उसमें जो सिंबल्स हैं उसका कलेक्शन को और कॉम्बिनेशन को बनाते हुए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ यदि लेंथ फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिनोट किया है कैप, एप्सिलन और लिम्डा। तो ये आप किसी एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा कि किसी में कैप से डिनोट किया जाता है, किसी में एप्सिलन से, किसी में लिम्डा से। तो ये क्या है, नल है और इसकी लेंथ क्या होगी, जीरो लेंथ होगी। उसी तरह से हम जैसे आपने बताया कि सिंगल कैरेक्टर जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी, तो सिंगल कैरेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, वन होगी। एंड ए बी इज अ टू कैरेक्टर स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या है, टू है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लीन स्टार का क्या मीनिंग है। तो क्लीन स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो अल्फाबेट्स लिया है सिग्मा, तो सिग्मा स्टार का क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी से हम लोग जो कम्बिनेशन बनाएंगे तो जो भी कम्बिनेशन लेना है आप ले सकते हैं। तो ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का होल स्टार। तो अब स्टार का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग और नथिंग। तो नथिंग का मतलब नल भी आप ले सकते हो एंड एवरीथिंग का मतलब जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगा उसको आप ले सकते हो। तो ए बी का होल स्टार करने का मीनिंग क्या है, आप नल भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, ए बी बी ए, टू टाइम्स ए ले सकते हो, टू टाइम्स बी, मतलब जितना भी आपको लगे कि जैसा भी स्ट्रिंग बनाना हो आप बना सकते हो। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया, यदि हम ए स्टार फाइंड आउट करना चाहें तो उसका क्या मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किया, सिग्मा स्टार हमने सबसे पहले आपको बताया, तो सिग्मा में क्या था, ए एंड बी दो वैल्यू स्टोर था, दो सिंबल स्टोर था। तो दो सिंबल का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट करेगा उसे। अब हम उसी तरह से यहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि ए स्टार का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स तो ए स्टार का मतलब क्या हुआ, नथिंग और एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए से आप जो भी स्ट्रिंग बनाओगे वो एक्सेप्टेबल होगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन स्टार और इसको हम लोग क्लीन क्लोजर भी बोलते हैं। अब हम एक और यहाँ पे डिफाइन करेंगे ए प्लस का क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स यदि कहीं ए स्टार लिखा है, कहीं ए प्लस लिखा है, तो इसमें आपको बस छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे हमने ए स्टार जो डिफाइन किया है ए ए ए नल इंक्लूडिंग नल, यदि हम नल पार्ट को हटा दें तो ए प्लस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस इज नथिंग बट ए स्टार माइनस नल, नल स्ट्रिंग को आपको हटा देना है तो ए प्लस बन जाएगा। तो ए प्लस में नल हटाएंगे तो क्या हो गया, सॉरी ए स्टार में नल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, जितना भी आपको ए लेना हो ले सकते हो। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ए स्टार एंड ए प्लस का। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें, यदि सिग्मा प्लस की बात करें तो सिग्मा स्टार से हम लोग नल कैरेक्टर को हटा देंगे और नल स्ट्रिंग को हटा देंगे। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं, पावर ऑफ सिग्मा। तो इसका क्या मीनिंग है, तो हमने यहाँ पे बताया है कि सपोज दैट सिग्मा टू द पावर जीरो, इसका मतलब क्या है, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग कितना बनेगा। उसके पहले हम आपको एक बात और बताएंगे यहाँ पे कि हमने सिग्मा में यहाँ पे अल्फाबेट क्या लिया है, जीरो एंड वन, मतलब जो भी स्ट्रिंग बनेगा जीरो एंड वन का कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो सिग्मा जीरो का मतलब यहाँ पे है कि लेंथ उस स्ट्रिंग का क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो लेंथ का स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या है, सिर्फ हमारे पास नल होगा। उसी तरह से वन लेंथ की स्ट्रिंग कितना फॉर्म हो पाएगा, एक जीरो एक वन, जिसकी लेंथ क्या है, वन है। उसी तरह से टू लेंथ का स्ट्रिंग हमें यदि फॉर्म करना तो क्या बनेगा, तो टू लेंथ का जीरो एंड वन से जीरो जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो, तो ये दो लेंथ का स्ट्रिंग बना, टोटल फोर।
उसी तरह से थ्री लेंथ का स्ट्रिंग कितना बनेगा। तो फ्रेंड्स सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, टू टू द पावर एन, यदि एन लेंथ का आपको फाइंड आउट करना था टू टू द पावर एन। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टू लेंथ का क्या था, तो टू टू द पावर टू मतलब फोर। यदि वन लेंथ का फाइंड करना था टू टू द पावर वन। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे डिपेंड करता है फॉर्मूला की नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने, यहाँ पे टू सिम्बॉल्स है, दैट इज द रीजन वी हैव यूज्ड टू टू द पावर एन। यदि दो से ज्यादा सिंबल होंगे वहां पे फॉर्मूला चेंज होगा, यदि थ्री सिंबल्स हैं तो थ्री टू द पावर एन। अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि सिंटैक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है क्लीन क्लोजर का। तो ये क्या है कि सारे कॉम्बिनेशन को लेता है, जैसे जीरो लेंथ का भी एक्सेप्ट करेगा, वन लेंथ का, टू लेंथ का, थ्री लेंथ का एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि यदि हम सारे को यूनियन कर दें, सारे स्ट्रिंग को, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग, वन लेंथ की स्ट्रिंग, तो वो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा। मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा था कि आपको क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, सिम्बॉल्स एंड अल्फाबेट्स क्या होता है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग सेकेंड लर्निंग आउटकम की ओर मूव कर रहे हैं कि इससे हमें क्या समझ में आएगा कि आप लैंग्वेज को यदि स्टेटमेंट के रूप में लिखा है तो कैसे लिखेंगे, यदि उससे रेगुलर एक्सप्रेशन के रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया है। यदि 0.1 है हमारा अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स ऑफ बाइनरी डिजिट। अब हम यहाँ पे एक लैंग्वेज फॉर्म की है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो ये हमारा एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज से हम क्या एक्सप्रेशन जनरेट कर पाएंगे और क्या स्ट्रिंग हम फॉर्म कर पाएंगे, उस चीज को हमें समझना है। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जिसका लेंथ 2 होगा, तो 0 एंड 1 से हम वैसे स्ट्रिंग को लेंगे जिसका लेंथ 2 होगा, तो 0 0 एक पॉसिबिलिटी है, उसी तरह से 0 1 एक और पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लेंथ का 4 स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो जब हम काउंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को तो फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगा। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 1। तो जो भी लैंग्वेज होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को ही कंसीडर करना है। तो 1 0 सिंपल 1 ले तो वो भी एक्सेप्टेबल है, 1 0 लेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, 1 1 1 ले वो भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें उस स्ट्रिंग को कंसीडर करना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा। तो बहुत सारा लैंग्वेज बन सकता है यहाँ पे 1 1, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा भी है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज बन सकता है। सो दिस इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है कि L3 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच एंड्स विथ 0, जैसा कि हमने L2 में क्या लिया था स्टार्ट्स विथ 1, उसी तरह से आपको ये डिजाइन करना है स्ट्रिंग फॉर्म करना है कि जो स्ट्रिंग 0 से एंड हो रहा है वो क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे एक और असाइनमेंट के रूप में है, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच एंड्स विथ 2 0, तो 2 0 से एंड होने वाले स्ट्रिंग को आपको लिखना है। तो स्टार्टिंग में 2 0 के पहले कुछ भी आए दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज और बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज बनाया जा सकता है, बहुत सारे स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। L5 क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच हैज इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1, तो इस तरीके का भी पॉसिबिलिटी है कि हम वैसा स्ट्रिंग को लें जिसमें नंबर ऑफ 0s एंड 1 इक्वल हो। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच हैज इवन नंबर ऑफ 0s, तो इसका भी आप जनरेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यू कैन राइट द स्ट्रिंग्स फॉर ऑल विच हैज इवन नंबर ऑफ 0s एंड इवन नंबर ऑफ 1। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया हो कि कैसे हमें किसी लैंग्वेज से यदि स्ट्रिंग फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे बेसिक कवर कर रहे हैं, आप माइंड में हमेशा बना लाए इसको, हम डेप्थ में रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होता है, लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिकली, हम लोग इसको थियोरेटिकली नहीं पढ़ रहे इस लेक्चर में।
तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए स्टार लिखा गया है, सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग बहुत सारे स्ट्रिंग को जेनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें ए बी होल स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अब ए स्टार का मीनिंग आपको पता है, तो ए बी स्टार का भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग को लिख सकते हो। तो जब स्टार आ गया, इसका मतलब क्या है, नल भी आ सकता है, क्योंकि स्टार इज एवरीथिंग और नथिंग, तो नल भी हम लोग ले सकते हैं। यदि हम स्टार को वन टाइम कंसिडर करें तो ए बी को ले पाएंगे, यदि हम इसको टू टाइम कंसिडर करें तो ए बी टू टाइम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए बी का होल स्टार है, तो दैट इज द रीजन वी हैव टेकन ए बी इन दिस सीक्वेंस। लेकिन हम लोग ए स्टार में देख पा रहे थे कि टू ए थ्री ए, उसी तरह से यहाँ पे, लेकिन आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि पहले बी लिखेंगे बाद में ए लिखेंगे, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बताएंगे। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया, ए प्लस बी का होल स्टार। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि आप या तो ए को सिलेक्ट कर रहे हो या बी को सिलेक्ट कर रहे हो या दोनों को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे फिर से जब स्टार लगा तो नल हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें हम या तो सिंगल ए ले या सिंगल बी भी ले सकते हैं, या टू टाइम ए ले टू टाइम बी ले। बट यहाँ पे जो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने बताया, ए बी जब भी आएगा तो एक साथ आएगा। तो ए बी ए प्लस बी का होल स्टार का मीनिंग क्या है, जैसे स्टार का मीनिंग क्या होता है कि आप बहुत बार इसको लिख सकते हो, और ए प्लस बी यहाँ पे क्या है, और जैसा बिहेवियर होगा इस ऑपरेटर का, तो आप या तो ए को सिलेक्ट करेंगे या तो बी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टार को, ए प्लस बी ए प्लस बी, बहुत सारा ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। यदि हमें यहाँ से मान लो कि स्टार्टिंग में हमें बी फाइंड आउट करना है, तो हम ए प्लस बी से सिंगल बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सेकेंड पार्ट से भी हम बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी इससे लिए बी इससे लिए, तो टू बी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ले पा रहे हैं टू बी इज अ पॉसिबल स्ट्रिंग। यदि इसमें और बड़ी लेंथ की हमें चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग बाकी जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी वहां से ले सकते हैं, तो भी क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग इससे बन पाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, ए बी स्टार पी, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी तो फिक्स है हमारा, ए होगा ही होगा, बट बी स्टार लगा है, तो हम लोग इस पार्ट को ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, और कई बार हम लोग बी स्टार मतलब बी को ले सकते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, ए बी होगा जिसकी लेंथ टू है, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ए एंड बी जो है मैंडेटरी आपको दो कैरेक्टर लेने हैं। अब हम इससे बड़ी लेंथ की बात करें, तो बी स्टार को हम लोग यदि सिंगल टाइम कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, ए बी बी, एंड बी स्टार को यदि हम टू टाइम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ए टू बी फॉलोड बाई बी, मतलब ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को बना सकते हो। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, बी प्लस ए स्टार। अब देखिए बी प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम एक बार तो लेना है, इसमें नल नहीं होता, तो कम से कम आपको एक बार लेना है, और आप उसके बाद कई एक बार भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्टार, तो ए स्टार में क्या हो गया कि आप नहीं भी ले सकते हो ए को, और बहुत बार ले सकते हो। तो अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, इससे क्या बनेगा, अब मान के चलो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है, तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ए स्टार को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसको हम नहीं लेंगे, नल लेंगे, नल पार्ट को इंक्लूड करेंगे। एंड बी प्लस, तो बी प्लस का स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, बी, एंड इसका क्या मिला, नल, तो बी एंड नल पार्ट को हम जब कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या होगा, बी मिलेगा। यहाँ पे नल का मतलब जो जीरो आपको बताया था कि उसका लेंथ जीरो होता है, लेकिन आप इसको जीरो मत समझना, मल्टीप्लाई करके जीरो मत लिख देना, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम बी पिक करेंगे एंड इससे नल पिक करेंगे, नल स्ट्रिंग, तो बी एंड नल स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन क्या होगा, बी होगा। मतलब किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप नल को कॉन्कैटिनेट करोगे तो वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग आएगा। अब उसी तरह से हम बी को यदि हम टू टाइम लें और इस पार्ट को नल कंसिडर करें, तो नल एंड टू टाइम्स बी क्या होगा, टू टाइम्स बी आएगा। उसी तरह से बी को थ्री टाइम ले सकते हैं। अब हम ए को भी कंसिडर कर सकते हैं, यदि सपोज दैट बी को सिंगल टाइम ले एंड ए को हम बहुत बार ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में एक बार बी लिया गया, एक बार ए लिया गया, यहाँ पे सिंगल बी एंड टू ए लिया गया, फिर टू बी एंड सिंगल ए लिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिंग आप बना सकते हो। सो वी हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल, सो आप इसको आप ट्राई करेंगे, खुद से बनाएं, और किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट डायग्राम, जिसको हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी बोलते हैं।
तो इसमें हम लोग समझेंगे कि स्टेट डायग्राम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने अभी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बताया है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट डायग्राम बनाएं। तो हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे इनिशियल स्टेट को हम लोग इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, एरो एंड देन सर्कल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट की बात करें तो जनरली हम लोग टू सर्कल से डिनोट करते हैं। तो यदि ये टू सर्कल है, इसका मतलब है कि ये फाइनल स्टेट है। तो फ्रेंड्स, फाइनल स्टेट का क्या मीनिंग है? तो जो भी आप स्ट्रिंग लेते हो और किसी स्टेट डायग्राम में वो यदि फाइनल स्टेट तक आकर के स्टॉप होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है मशीन द्वारा। यदि आपसे सिंपल प्रोग्राम पूछा जाए कि आपको चेक करना है कि फोर लेंथ का जो भी स्ट्रिंग बनेगा, और हम लोग इसको इस तरीके से बात करें कि बाइनरी डिजिट आपको प्रिंट करना है, बट कंडीशन क्या दिया गया है कि ऑल स्ट्रिंग एंड्स विथ जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो से एंड होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम पे भी बना सकते हैं। तो अब धीरे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने का कि जब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में किसी मॉडल को आप बना सकते हो, स्टेट डायग्राम बना सकते हो, इसको हम लोग मशीन भी बोल सकते हैं कि एक मशीन आप जब बना सकते हो तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो आपको अब समझ में आ रहा हो कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हमने यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लिया है कि अल्फाबेट हमने सिर्फ जीरो लिया और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, जीरो स्टार। तो जीरो स्टार के लिए स्टेट डायग्राम क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स, तो जीरो स्टार का हम लोग पहले क्या समझेंगे कि इसका स्ट्रिंग क्या क्या बन सकता है। तो इसका जो एक फर्स्ट स्ट्रिंग बनेगा, जैसे नल, नल इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, हम लोग नल को भी क्या बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेबल, नल भी लेंगे तो बोलेंगे कि करेक्ट स्ट्रिंग है। उसी तरह से सिंगल जीरो हो सकता है, टू जीरो हो सकता है, एंड मल्टीपल जीरो हो सकता है, वो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जीरो स्टार, अब पूछा जाएगा कि क्या क्या स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जनरेट हो सकता है। तो अब इसके लिए हमें बनाना क्या है, स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पे हमने लिया है कि जो फर्स्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वही हमारा फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि और उसमें हमने यहाँ पे लूप लगाया, लूप किसका लगाया, जीरो का। तो जीरो को लूप लगाने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत बार ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। जैसे हम नल की बात करें तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे हैं, फाइनल स्टेट पे ही हैं। यदि हम जीरो को एक बार भी नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या है कि नल स्ट्रिंग इज देयर, सो नल इज एक्सेप्टेबल। यदि हम सिंगल जीरो की बात करें तो इस लूप को हम लोग सिंगल टाइम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सो जीरो इज एक्सेप्टेबल। यदि हम टू जीरो की बात करें तो ये जो हमारा लूपिंग है ये टू टाइम्स चलेगा, तो इसके लिए चलेगा, जीरो के लिए चलेगा। तो टू जीरो इज पॉसिबल, थ्री जीरो इज पॉसिबल। सो दिस इज द सिंपल स्टेट डायग्राम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, बट उस पार्ट को मैं यहाँ पे नहीं कवर करूंगा। उसका आपको यदि डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर किया है, उससे आप डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है कि जीरो के लिए क्या बनेगा। जैसे हमने रेगुलर यहाँ पे स्टेट डायग्राम जो बनाया है वो जीरो स्टार के लिए बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास सिंपल एक स्ट्रिंग है जीरो, तो जीरो के लिए स्टेट डायग्राम क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ क्या है, वन है, वन से ज़्यादा नहीं और वन से कम नहीं। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हुआ और जीरो को रीड करने के बाद ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो ये इसका मतलब ये है कि इनिशियल से स्टार्ट किए, फाइनल पे जाके स्टॉप कर रहे हैं, इसका मतलब। और रीड क्या कर रहे हैं, जीरो रीड कर रहे हैं। जब जीरो हम लोग रीड किए तो इसका मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया गया है इस मॉडल द्वारा, इस मशीन द्वारा। तो ये सिंपल स्टेट डायग्राम बनेगा जीरो के लिए। उसी तरह से अब हम यहाँ पे बात करें कि अल्फावेट जीरो एंड वन कंसिडर करें, और हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा क्या है, जीरो वन है। तो जीरो वन के लिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले जीरो को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वन को एक्सेप्ट करेगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्यू नॉट नाम दे दिया इनिशियल स्टेट का, क्यू वन नाम दिया है
सेकेंड स्टेट का, एंड QF हमने बताया है कि वो हमारा फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट को आप तो यार डबल सर्कल से करें, दैट इज मच बेटर देन अदर नोटेशन। हमने यहाँ पे QF से बताया कि नहीं वो हमारा फाइनल स्टेट है। तो 01 रेगुलर एक्सप्रेशन है और स्ट्रिंग है, उसके लिए क्या बनेगा? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले हमने 0 को रीड किया, उसके बाद 1 को रीड किया और फाइनल स्टेट पे गए, और लूप कहीं भी नहीं है। लूप लगने का मतलब ये हो जाता कि बहुत सारे और भी कैरेक्टर को जनरेट किया जा सकता, लेकिन ये फिक्स्ड किया गया था कि 2 लेंथ होगा इसका, 2 लेंथ का स्ट्रिंग आपका होगा। अब हम एक और एग्जांपल की ओर मूव कर रहे हैं, 01 स्टार। तो अब देखिए यहाँ पे 01 स्टार से आप कोशिश करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग फाइंड आउट करें। तो 1 स्टार का मतलब क्या है? नथिंग और एवरीथिंग। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगा? 0। तो मशीन जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो 0 को एक्सेप्ट करेगा। यदि 1 स्टार को 1 हम सिंगल टाइम कंसिडर करें तो 01 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। उसी तरह से 011 इज एक्सेप्टेबल, 0111 इज एक्सेप्टेबल, 041 इज एक्सेप्टेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो अब हमें समझ में आ गया, यदि हम लूप ले लें तो काम हो जाएगा। वो कहाँ पे लेना पड़ेगा? फाइनल स्टेट पे लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ड्रॉ किया है कि 0 भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए इस मशीन द्वारा। तो क्यू नॉट स्टेट हमारा इनिशियल स्टेट है, QF हमारा फाइनल स्टेट है। तो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो, इसका मतलब क्या है? वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हम क्यू नॉट से 0 को रीड करने के बाद हम फाइनल स्टेट पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे 0 को एक्सेप्ट कर लिए। अब 0 के बाद हमें चाहिए कि नहीं 01 को एक्सेप्ट करें। तो 01 को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि हमने पहले 0 को लिया एंड 1 हम लोग फाइनल स्टेट पे कंसीडर किया, मतलब एक बार लूप चलेगा। तो 01 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 011 का मतलब क्या हुआ? 0 को हमने पहले रीड किया एंड 2 times 1, मतलब लूप 2 times चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनल स्टेट पे ही है, तो 011 भी एक्सेप्टेबल हुआ। उसी तरह से बाकी स्ट्रिंग को भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट करवा सकते हो इस मॉडल द्वारा। सो दिस इज द स्टेट डायग्राम कोरिस्पोंडिंग टू 01 स्टार। अब हम इसी में कुछ आपको और भी एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, 001 स्टार 1। तो आप अभी तुरंत पॉज करें वीडियो को, आप खुद से कोशिश करें कि इसका क्या बनेगा स्टेट डायग्राम। हमने यहाँ पे इसके लिए ड्रॉ भी किया है कि पहले, अब हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। सो 0 and 1 तो फिक्स्ड है, सो 01 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यदि हम 01 स्टार ले, मतलब इसको कंसीडर करें, तो यदि 1 बार कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, 0011। तो हमने 0 से यहाँ पे आया, और 01 का क्या है, सिंगल टाइम आपको 01 लेना है। सो 0 से हम लोग इस स्टेट पे आ रहे हैं, फिर 1 से इस स्टेट पे, एंड उसके बाद फिर से फाइनल स्टेट पे। तो हमने इस तरह से क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। 01 का स्टार लगा है, इसका मतलब लूप काइंड ऑफ थिंग है, जब भी आएगा तो 01 के पेयर में आएगा, 01 01 01। तो 0 से यहाँ, फिर 1 से यहाँ, फिर यदि रिक्वायरमेंट होगा 0 का तो फिर से यहाँ आएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आप स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली हमने 0 0+1 का होल स्टार 1 के लिए भी बनाया यहाँ पे, एंड 2 क्वेश्चन आई हैव गिवन फॉर यू, आप इसके लिए जरूर कोशिश करें। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो ट्रांजिशन फंक्शन होता क्या है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टेट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा पा रहे थे। तो इसमें हमने क्या किया है कि तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी स्टेट पे हो, उस स्टेट से आपको किसी दूसरे स्टेट पे जाना है, तो कौन सा इनपुट के साथ आप दूसरे स्टेट पे जा रहे हो। जैसे हम लोग इस स्टेट पे दी हैं, तो इस स्टेट पे जाने के लिए हमें 0 को रीड करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन इसी को बताता है, और इसी के थ्रू हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले, आपको स्टेट पता होना चाहिए कि किस स्टेट पे हो, उसके बाद इनपुट क्या रीड कर रहे हो, और उसके बाद किस स्टेट पे पहुंच पा रहे हो। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन कि आप किसी क्यू रिप्रेजेंट सेट ऑफ स्टेट्स एंड समेशन सिंबल रिप्रेजेंट्स
सेट ऑफ सिंबल्स और अल्फाबेट्स एंड अनदर क्यू इज सेइंग हियर कि आप किसी दूसरे स्टेट पे जा रहे हो. सो दिस इज द सिंपल फंक्शन, यू मस्ट रिमेम्बर. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. सो हेयर वी हैव थ्री स्टेट, क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू एफ. तो क्यू नॉट से क्यू वन पे जाने के लिए हमें इनपुट क्या रीड करना पड़ रहा है, जीरो को. उसी तरह से क्यू वन पे है, वन को रीड करेंगे तो क्यू एफ पे पहुंच जाएंगे. एंड क्यू एफ पे देख पा रहे हैं कि जीरो एंड वन को रीड करने के बाद हम लोग सेल उसी लूप पे है, मतलब ये सेल्फ लूप है. तो इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. गेट जैसे एग्जामिनेशन में भी कई एक बार पूछा जा चुका है. तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखें, हमने क्यू नॉट स्टेट के लिए बनाया, इनिशियल स्टेट हमारा क्यू नॉट है. तो जब ट्रांजिशन कर रहे हैं क्यू नॉट कॉमा जीरो, मतलब क्यू नॉट स्टेट पे हो आप, जीरो को रीड कर रहे हो तो आप Q1 स्टेट पे पहुंच रहे हो. सो दिस इज द वे टू राइट ट्रांजिशन फंक्शन. उसी तरह से हम यदि Q1 के लिए लिखेंगे तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 स्टेट पे है एंड वन को रीड किया एंड उसके बाद QF पे पहुंच गए. एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर फाइनल स्टेट, QF स्टेट पे आप जीरो को रीड करने के बाद कहां पे जाएंगे, सेम स्टेट पे, मतलब QF हो जाएगा राइट साइड में. QF स्टेट पे आप वन को रीड करेंगे तो कहां पे जाएंगे, QF पे ही, तो राइट साइड में उसके लिए भी क्या हो जाएगा, QF ही होगा. सो दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड ट्रांजिशन फंक्शन फॉर गिवन स्टेट डायग्राम. अब हमने एक स्टेट डायग्राम यहां पे बनाया है. अब इसके लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, और स्टेट का नेम कुछ भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे हमने अल्फाबेट क्या लिया है, ए एंड बी सिंबल लिया है और अल्फाबेट लिया है. एस नॉट इज इनिशियल स्टेट, एस वन इज नेक्स्ट स्टेट एंड एस एफ इज फाइनल स्टेट. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एस नॉट, एस वन एंड एस एफ के लिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा. तो आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें क्या होता है. सो दिस इज द आंसर. सो वेरी सिंपल स्टेप, यू कैन फाइंड योर सेल्फ. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रांजिशन टेबल. तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स और ट्रांजिशन टेबल होता क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे. तो फ्रेंड्स आपने अभी तक स्टेट डायग्राम क्या होता वो समझ लिया, स्टेट डायग्राम के लिए आपने फिर ट्रांजिशन फंक्शन को भी बनाना सीख लिया. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन टेबल क्या होगा. तो ट्रांजिशन टेबल क्या है कि जो ट्रांजिशन आपने जो फाइंड आउट किया है उसके लिए आप एक टेबल जनरेट करो, टेबल बना रहे हो जिसमें आप डिफाइन करोगे कि किसी पार्टिकुलर स्टेट पे हो और किसी पार्टिकुलर इनपुट को रीड करने के बाद किस स्टेट पे जा रहे हो. तो इसके कोरिस्पोंडिंग जैसे इस डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, डिफरेंट ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन फंक्शन. तो अब हमने यहाँ पे एक टेबल जो बनाया है, फर्स्ट कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स, सो एस नॉट, एस वन एंड एस एफ, एंड दिस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ इनपुट और अल्फाबेट्स. हमने यहाँ पे सिग्मा को बताया, ए एंड बी. अब देख पा रहे हैं कि एस नॉट पे हम हैं, ए को रीड करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है एस नॉट पे हो, ए को रीड करने के बाद एस वन पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एस वन एंट्री किया. एस नॉट पे बी को रीड करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, तो नहीं कहीं जा रहे हैं. तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, आप एस नॉट पे बी को रीड करके कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा. एस वन पे ए को रीड करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, एस वन पे ही, एस वन हमने लिखा है. एस वन पे आप बी को रीड करने के बाद एस एफ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे हमने एस एफ को लिखा है. उसी तरह से एस एफ के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज द वे टू फाइंड ट्रांजिशन टेबल. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जितना अच्छे समझ में आएगा उतना आपको कम डिफिकल्टी होगा आने वाले लेक्चर को अटेंड करने में. और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा पार्ट है कि ये सब आपको यदि क्लियर हो गया तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें. अब हम लास्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं, ग्रामर. तो ग्रामर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रेगुलर ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो इसके बारे में हम फोकस नहीं करेंगे. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं आपको बताएंगे अभी. इसको आपको यदि डेप्थ में समझना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उसे आप देखकर समझ सकते हो. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है, कैसे हम लोग ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्रेंड्स हमने सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि S1 इज अ स्टेट, तो जो कैपिटल में लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, एंड स्मॉल में जो लिखा है A एंड B उसको हम लोग बोल रहे हैं
इनपुट सिंबल्स और टर्मिनल बोलते हैं उसको। तो टर्मिनल को हम लोग कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। अब S1 क्या है? हमारा एक स्टेट है और हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वेरिएबल है। तो S1 क्या दे रहा है? A S1 / B, इसका क्या मीनिंग है? S1 से आप या तो A S1 फाइंड आउट कर सकते हो या B फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यदि आपसे बोला जाए कि S1 क्या देगा तो B को देगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि B के अलावा क्या देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि S1 को, S1 क्या डिफाइन कर रहा है? A S1 और B, मतलब S1 को आप रिप्लेस कर सकते हो B से या A S1 से, मतलब एक लूप काइंड ऑफ थिंग हो गया। जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग भी लिखा है, जैसे S1 को हमने रिप्लेस किससे कर दिया? सेम सिंबल, क्योंकि S1 दे रहा है A S1, तो हम A S1 से रिप्लेस कर दिए। यदि हम B से भी कर सकते हैं तो B से रिप्लेस करने तो क्या हो जाता है? AB होता, तो AB इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। यदि हम S1 को इसी तरह से रिप्लेस करते चले जाए तो आगे हमें क्या मिलेगा? AAA S1, क्योंकि इस S1 को फिर से हम AS1 के तौर पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में हमें S1 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? B से रिप्लेस करेंगे, तभी हम स्टॉप कर पाएंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इससे क्या बनेगा, इसे किस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A को हम लोग बहुत बार ले सकते हैं बट B यहाँ पे मैंडेटरी होगा, तो हमने A*B लिखा इस ग्रामर के कोरिस्पोंडिंग। तो अब आपको समझ में आया होगा कि A*B क्यों है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि S1 या तो सिंगल B भी दे सकता है, तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी आप फाइंड आउट करें सिंगल B आपको मिल सकता था। उसी तरह से आप सिंगल A चाहिए तो A S1 इस पार्ट को आप कंसिडर करेंगे एंड S1 को B से रिप्लेस करेंगे तो AB भी आपको मिल जाएगा, तो AB इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द ग्रामर। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमने लिया है। तो S1 क्या दे रहा है? 0 S1 1 और 0, इसका मतलब क्या कि मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगा? 0 होगा। अब S1 को आप फिर से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि हम लोग फर्स्ट केस में रिप्लेस किए, तो S1 क्या दे रहा है? 0 S1 1। तो इस S1 को या तो आप 0 से रिप्लेस करो या सेम थिंग से रिप्लेस करो, मतलब 0 S1 1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरह का पैटर्न बनेगा। यदि हम इसको 0 S1 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 S1 1 1। इस तरह से S1 को हम रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 हम देख पा रहे हैं, लेकिन S1 को लास्ट में किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? इस 0 से, तब हम जा करके स्टॉप कर पाएंगे। तो फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 to the power m, 0 1 to the power m। यहाँ पे 0 क्यों लिया? क्योंकि S1 को आपको कहीं ना कहीं लास्ट में 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा, और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 बन रहा है, इसलिए हमने 0 to the power 1 m and 1 to the power m लिखा है। m क्या है? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब ग्रामर इस तरह से भी दिया जा सकता था, s इज गिविंग 0f, f इज गिविंग 1s / 1। तो इससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। s क्या है? स्टार्ट स्टेट है। सो 0f दे रहा है, अब f को क्या रिप्लेस कर सकते थे? 1 से या 1s से। तो 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 01। तो 01 इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फॉर दिस ग्रामर। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट ग्रामर और इससे भी टफ ग्रामर आपको मिल सकता है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने इसके लिए फाइंड आउट किया है कि ये जो पैटर्न है बनता चला जाएगा 0 1 0 1, क्योंकि हम यहाँ पे f को क्या कर रहे हैं? 1s से रिप्लेस करेंगे तो s इज गिविंग 0 1s। अब इस s को फिर से हम रिप्लेस कर सकते हैं सेम थिंग से, 0 1s 0 1s। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि 0 1 प्लस बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप यदि इस स्टेज पे आप सीख लेते हो कि ग्रामर से हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, हम आपको मेनली बताना चाह रहे हैं कि आपको यदि ये सब पार्ट समझ में आ जाता हो तो आपको बहुत ही मजा आएगा आगे का पार्ट को पढ़ने में। अब हम मूव कर रहे हैं, स्टेट डायग्राम यदि दिया हुआ है तो उसके कोरिस्पोंडिंग हम लोग ग्रामर को कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा स्टेट डायग्राम है जिसमें 2 स्टेट दिए गए हैं, Q0 and QF। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 0 1 * रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि 0 को हम सिंगल टाइम ले रहे हैं एंड 1 को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं, तो 0 1 * रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेकिन हम ग्रामर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए तरीका ये है, हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रामर लिखा, तो Q0 क्या है? स्टेट है, तो हम लोग यहाँ पे Q0 को लेफ्ट साइड में लिखे। Q0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? QF पे जा रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? 0, तो 0 को पहले लिखेंगे, QF को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा एक
ग्रामर बन गया। उसी तरह से QF के लिए लिखेंगे तो QF क्या हमारा फाइनल स्टेट है, तो QF से हम लोग QF पे ही जा रहे हैं बाय रीडिंग वन, तो वन QF होगा। लेकिन ये फाइनल स्टेट है तो हम लोग यहाँ पे नल भी इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नल आपको इंक्लूड करना जब भी फाइनल स्टेट मिलेगा। अब आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या स्ट्रिंग बन सकता है, क्या क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। तो फ्रेंड्स इस QF को आप नल से यदि रिप्लेस कर दो, क्योंकि QF क्या दे रहा है, वन QF और नल, तो नल से रिप्लेस करेंगे तो जीरो बनेगा। सो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि जीरो इज दी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो फाइनल स्टेट पे जाने के बाद रुक रहा है। अब QF को आप वन QF से रिप्लेस कर सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वन जो है बार बार आ सकता है, वन QF, वन QF, वन QF, और फाइनली आप नल से इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो जीरो वन 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 बहुत बार बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल, इसको आप खुद से ट्राई करो ग्रामर लिखने का, बहुत ही ईजी है। तो हमने आप यहाँ पे पाउच करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखें, तो क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट गोइंग टू क्यू वन, सो जीरो क्यू वन। उसी तरह से ग्रामर क्या होगा, क्यू वन के लिए वन रीड करेगा, पहुंच रहा है क्यू एफ पे। एंड सिमिलरली फॉर क्यू एफ हम लोग देखेंगे जीरो एंड वन, यहाँ पे दो ऑप्शन लिए गए हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड ग्रामर फ्रॉम गिवन स्टेट डायग्राम। तो फ्रेंड्स हम लोग ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि सिंबल्स को देखेंगे, समझेंगे अल्फाबेट्स क्या होता है, क्लीन स्टार क्लीन क्लोजर क्या होता है, वो हम लोग सीख चुके हैं। हमने उसके बाद ये भी बताया था कि आपको रेगुलर लैंग्वेज को लिखना हो या रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना हो, वो भी आप समझ जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, एंड ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड स्टेट डायग्राम एंड ग्रामर और इसके बीच में कन्वर्जन कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो लेक्चर के लिए, और बाकी आपको किस तरह का डाउट हो तो आप जरूर डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।